का। तो गाइस आज बात करेंगे एक स्मार्ट फोन की और अनबॉक्सिंग करेंगे उस फोन की। तो हमारे पास होनर का 90 प्रो फोन, आज इस फोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो गाइज ये हमारा होनर 90 प्रो बॉक्स और इस बॉक्स से आज करते हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइज बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें मिलता है हमारा स्मार्टफोन और सिम इजेक्टर टूल, सिलिकन कवर यहाँ पर देखने को मिलता है, 100 वोट की यहाँ पर सुपर चार्जिंग देखने को मिलती है, ए टू सी केबल यहाँ पर देखने को मिलती है। और रैम की बात करें तो फोन के अंदर आपको 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिलती है। और गाइज फोन बहुत ही प्रीमियम और डिजाइन के मामले में बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल धमाका है, क्योंकि देख सकते हो एक मतलब जो कि जैसे कोई तार टीन होती है वैसे वैसे कुछ डिजाइन दिया हुआ है, जैसे कोई प्लेट के ऊपर स्टील की प्लेट होती है वैसा कुछ डिजाइन इसके ऊपर दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है AI मैट्रिक्स कैमरा होनर का। तो इसके कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो पहले का आपको 200 MP का वाइड कैमरा, 32 MP टेलीस्कोप और 12 अल्ट्रा वाइड के लिए कैमरा देखने को मिलता है। फ्लैश लाइट यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर कैमरे में थोड़ा बम्प देखने को मिलता है लेकिन स्क्रैच नहीं लगे क्योंकि अब फोन बहुत सारे अपडेट हो चुके हैं, अब स्क्रैच नहीं लगते हैं ज़्यादातर ग्लास के ऊपर, तो फोन बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी दिया हुआ है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और गाइज जो भाई ये शाइनिंग लग रहा है ना, बहुत ही मस्त लग रहा है शाइनिंग में, फोन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है इसमें। और यहाँ पर देख सकते हो ऊपर आपको कितना पतला है, मतलब थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम है, बिल्कुल स्लिम सेट है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी हर एक डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ देख रहा होगा ऊपर माइक्रोफोन, और साइड में आपको बटन अप एंड डाउन और लॉक के रह सकने के लिए यहाँ पर बटन देखने को मिलते हैं। और गाइज इसके अंदर आपको बिल्कुल यहाँ पर देखो बिल्कुल क्लियर एक स्पीकर देखने, डोल बाइक स्पीकर देखने को मिलते हैं, और ये A2C केबल और यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल मतलब सिम निकालने के लिए जो ट्रे होती है वो देखने को मिलती है। और गाइज ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक माइक्रोफोन वगैरह जो भी अभी निकलने को मिलता है, और 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपके कैमरे कुछ शॉट्स हमें लिए हैं कैमरे के, देख सकते हो कुछ डिटेल देखो कितनी बढ़िया डिटेल यहाँ पर देखने को मिल रही है। गाइस डिटेल बहुत ही जबरदस्त है इस फोन के कैमरे की, यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरे बहुत ही जबरदस्त, ये देखो ये हमने एक और पिक ली है ये देखो, और भी जूम करने के बाद ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक नंबर की डिटेल, बहुत ही ज्यादा बढ़िया डिटेल आ रही है फोन की। तो गाइज इसके अंदर आप देख सकते हो कैमरे की डिटेल देखो, ये कैमरे की डिटेल देख सकते हो बिल्कुल, मैं फोटो फट नहीं दी है, सबसे बेस्ट यही है। तो गाइस ये देख सकते हो आप फोन को मतलब एक अच्छी क्वालिटी के साथ प्रीमियम के डिजाइन के साथ लॉन्च किया हुआ है। कुछ सेटिंग है इसके अंदर आप दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ये ऐसी ऐसी कुछ सेटिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, 2x जूम वगैरह 10x जूम के साथ। और फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, 50 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का डेप्थ कैमरा हमें यहाँ पर, 2 कैमरे देखने को मिलते हैं डोल यानी डोल कैमरे यहाँ पर फ्रंट में हमें देखने को मिलते हैं। तो गाइज ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, अच्छी लगे तो एक लाइक कमेंट जरूर करना, और गाइज फोन बहुत ही बेहतरीन है। और कुछ आपको पता ही होगा भाई ये चाइना में लॉन्च हुआ है तो भारत में नहीं हुआ, क्योंकि इसे गूगल की सपोर्ट नहीं मिलती, इस गूगल सर्विस नहीं मिलती इस फोन में, तो बिकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इंडिया में। तो अगर ये फोन गूगल सर्विस न मिलने के कारण ये इंडिया में नहीं आ सकता है, अच्छी क्वालिटी देता है, वैसे ओनर बहुत अच्छा फोन बनाता है क्रोम स्क्रीन के साथ, मतलब मजे वाला मतलब बहुत ही बढ़िया फोन बनाता है ओनर। तो आज यही कारण है कि भाई ओनर को गूगल सर्विस नहीं मिल रही और ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है। तो ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन ओनर की, हमारे पास जो फोन था उसकी हमने बता दिया, और नई नई टेक की वीडियो और नई अनबॉक्सिंग वीडियो देख रहे हैं भाई चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, सबसे पहले हम वीडियो लेकर आते हैं, तो नहीं भाई नेक्स्ट वीडियो में।